अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सर? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक मार्कर है, टेबल, चेयर, बहुत सी चीज़ें हैं। अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और सेकेंडली वो आ जाते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम मेजर कर नहीं कर सकते? लाइक हमारी थिंकिंग, जो हम सोचते हैं। क्या ऐसा होता है कि हम कहें कि इसने इतने किलो सोचा है, या इसने इतने ग्राम सोचा है, इसने इतने लीटर सोचा है? नहीं, इसका क्या मतलब है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो एक मेजर नहीं की जा सकती। इसी तरह ये हमारे पास जो पेन है, मार्कर है, इसको ये लेंथ जो है हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका वेट भी मेजर कर सकते हैं, इवन कि इसका जो बॉक्स होता है, होप, उस पर लिखा भी होता है कि इसका जो वेट है इतना है। इसी तरह हम बाज़ार से जो चीज़ें लेते हैं, या सिरप ले लिया या कोई मेडिसिन ले ली, उसमें उन्होंने उसका मास लिखा होता है कि इसका मास जो 8 ग्राम है, 12 ग्राम है, कितने ग्राम है। इसका क्या मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ना है कि हम जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम कहते हैं कि इतने ग्राम है, तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं ग्राम है, हम उस ग्राम को लीटर क्यों नहीं कह सकते? तो यही हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम कौन सी चीज़ के लिए कौन सा यूनिट, यानी कि किसके लिए ग्राम यूज़ करते हैं, किसी के लिए लीटर यूज़ करते हैं, और ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम वेट मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, या वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो सब हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स पे है, 3 टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें उन लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ का इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और हम इनको मेजर क्यों करते हैं। वो तो मैंने वैसे ही आपको भी बता दिया। उसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 8.2, विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसे हमें कैसे पता चलता है कि हमने इस चीज़ के लिए ग्राम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने मिल्क खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने लीटर का वर्ड यूज़ करना है। ये ऐसा हम लोगों को कैसे पता चलता है, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जिसने डिफ़ाइन किया था कि हम इन चीज़ों के लिए ये यूनिट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम मिनट या सेकेंड यूज़ करते हैं वगैरह। उसके बाद 3rd टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम लोग हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। उसमें 4 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 1st one इज़ द मीटर रूल, 2nd one इज़ द मेजरिंग सिलेंडर, 3rd one इज़ फ्लास्क, एंड 3rd one इज़ पिपेट। अब इस तरह से जो है ना, हम लोग इन चारों को बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड लास्ट में हम इस चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये हमारा इस तरह से पूरा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1st टॉपिक, विच इज़ अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड ऑल। व्हाट एग्जांपल मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अभी मैंने बताया दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम, वो क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एंड बहुत से कमेंट्स भी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मिस आप रीडिंग करा दिया करें प्लीज़। तो रीडिंग लेक्चर के दौरान थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बुक से ना रीड आउट कर दूँ। जैसे कि यहाँ इन्होंने इसकी डेफिनेशन में मैंने वही लिखा हुआ है जो मैं बोल रही हूँ। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो वट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, वट इज़ इट्स डेफिनेशन। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, और जो क्वांटिटीज़ मेजर नहीं की जा सकती वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बता दिया हमारा सोचना, हम लोग कभी कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतना किलो सोचा, हमने इतना ग्राम सोचा, हमने इतना लीटर सोचा? नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम अपनी थिंकिंग को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी भी नहीं है। ओके, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी? हम कह सकते हैं वेट। अब वेट जो है हम मेजर कर सकते हैं कि मार्कर है ये 5 ग्राम का है, तो इसका क्या मतलब है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वेट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। इसी तरह टाइम,
हम बताते हैं ना कि 2:10 हो गए हैं, इसका क्या मतलब है कि हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। अब हमारा जो पूरा दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है, इसका क्या मतलब है हम पूरे टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टाइम भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इस वजह से टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह लेंथ, इस मार्कर की क्या लेंथ है, इस डस्टर की क्या लेंथ है, इसी तरह ह्यूमन मेरी क्या लेंथ है, मैं कितनी हाइट क्या है मेरी, वो लेंथ में ही आ जाती है। मेरी लेंथ हाइट में मेजर कर सकती हूँ कि मेरी हाइट इतनी है 5 फीट एंड ऑल। तो इस तरह से क्या है कि हम वेट, टाइम एंड लेंथ, हम इन तीनों को मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ये तीनों जो हैं एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब वो कहता है कि ना उसके बाद वो कहता है वन कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना उनकी ना दो चीज़ें कॉमन होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ द साइज एंड सेकेंड वन इज़ द यूनिट। कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी ना उनका कोई ना कोई साइज़ होगा और उनका कोई ना कोई यूनिट होगा। अब लाइक मैंने आपको बताया कि थिंकिंग ही ले लेते हैं हम, थिंकिंग एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इस वजह से उसका साइज़ भी नहीं होगा। क्या कह सकते हैं हम कि इसकी सोच जो है वो 2 किलोमीटर लंबी है? नहीं। या हम कहें कि इतनी सेंटीमीटर की सोच है इसकी? नहीं, ऐसा भी नहीं कहते हम। तो इसका क्या मतलब है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती उनका कोई साइज़ भी नहीं होता। अब लाइक ये मार्कर एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका इस वजह से इसका कोई लेंथ भी है, इसकी कोई विड्थ भी है, इसकी कोई हाइट भी है, इसका कोई वॉल्यूम भी है। तो हम लोग जो है इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनका कोई ना कोई साइज़ होगा, और साइज़ होगा तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई यूनिट भी होगा। लाइक इसके मास की अगर हम बात करें 5 ग्राम, तो ये जो ग्राम है ना वो यूनिट होगा, ठीक है। लाइक हम दूध लेते हैं, हम कहते हैं 5 kg ऑफ मिल्क है, तो kg क्या होगा? उसका यूनिट होगा, कोई ना कोई यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उन सब का दो चीज़ें कॉमन होंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द साइज़, कि उन सब का कोई ना कोई साइज़ होगा ही होगा, एंड सेकेंड वन इज़ यूनिट, कि उनका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंट्रोडक्शन के मुतलिक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।